এই মসজিদটা হলো ভারতের সবচেয়ে পুরানো মসজিদ। এই মসজিদটা আছে ভারতের কেরালায়, 629 সালে স্থাপন করা হয়েছিল, সেরামন জুমা মসজিদ মসজিদটার নাম। এই মসজিদের হিস্টোরি বিষয়ে যদি কভার যায়, 99% মুসলমান মানুষই জানে যে আমাদের নবীরে ইনভাইট করছিল আবু জাহেলে ইসলাম গ্রহণ করব যদি সান্ডারে দুভাগ করে দিতে পারে। তো আমাদের নবী সান্ডারে দুভাগ করে দিছিল, তবু মানে সে আবু জাহেলে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তো এইখান থেকে সেরামন আর সেরা তার স্ত্রী রাত্রে দেখে সান্ডা দুইভাগ। তো এই আরব কান্ট্রি থেকে যেগুলো মানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে ব্যাপারী আসছিল, তাই ব্যাপারী করে মানে এই সেরামনে জিজ্ঞাসা করছে যে চান্ডা দুভাগ কেন। ব্যাপারীরা বলছে যে আমাদের নবী এই চান্ডার দুভাগ করছে। তো এই বিষয়ে মানে ভালো করে জানবার লেগে সেরামনে সৌদি আরব যাচ্ছে, নবীর লগে সাক্ষাৎ করছে। সাক্ষাৎ করার পরে সেখানে যে মুসলমান গ্রহণ ধর্ম গ্রহণ করছে, সেই আর কি পরে এই মসজিদটা উঠাইছে। তবু যদি সে নিজে উঠাইতে পারে না, সে মানে আস্তে আস্তে মানে অসুস্থ হয়ে গেছে, রাস্তার তার মৃত্যু হয়েছে, তাদের সাহাবারা এই মসজিদটা উঠাইছে। তো সেই মসজিদটার আজকে দেখতে যাইতেছি। তো আপনারা পাশে থাকেন, দেখতে থাকেন, আপনাদের মতামত জরুর পেশ করবেন। আর আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা যদি চ্যানেল আসা দেয় নতুন আসা থাকেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে দেখে থাকলে পেজটার ফলো আর লাইক করে দিবেন। তো বেশি দেরি না করে আসুন, ভিডিওটা আরম্ভ করি। আর এই ভিডিওর অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, দেখে আসতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম মাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু বেক মিরাজ ব্লগ। तो ये जो चौराहा है ना, यहाँ से डायरेक्ट बस मिलेगी कोडुंगलोर के लिए, जो कि हमें चेरेमन मस्जिद छोड़ेगी। तो यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, यहीं बस आएगी। तो ये बस हमारी आ गई। तो साउथ में बस का सफ़र पहली बार कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तो ये खासियत है कि बस में ना कहीं भी शीशे नहीं है चारों तरफ, तो हवा बल्कि सीधी आ रही है। और जिस रास्ते से गुजर रही है वहाँ की ग्रीनरी बहुत ही शानदार है और बहुत पोलाइट है। पहले बताया কেরালা বাস উঠছে, কেরালা বাস মানে কি বহুত রুল রেগুলেশন কেরালার, বহুত মজা আছে। তো সেখানে মানে ছোট ছোট টিকিট দেয়, বাসটা অল্প অল্প যায় যায় খারে পরে খারে, সেখানে মানুষ প্যাসেঞ্জার মানে উঠায় বা আরো নামায়। মজা আছে কেরালার রুল অ্যান্ড রেগুলেশনটা। তো ফাইনালি দোস্ত বাস নে মুঝে বিলকুল বহি উতারা হ্যায় জাহাঁ পর মসজিদ হ্যায়, চেরেমান মসজিদ। আর দোস্ত মে কিয়া অন্দর সে ফিল হো রহা না, কিয়া ভাইবস নিকল রহি হ্যায় না, শায়দ আই কান্ট এক্সপ্রেস ইন মাই ওন ওয়ার্ড कि मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर भारत की पहली मस्जिद, मैं इसको पढ़ता था 8-10 साल से पढ़ता था और सोचता था काश मुझे जाने का मौका मिले। तो फाइनली दोस्तों मैं उसी जगह पर आ गया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना ऑटो खड़े हैं, ये उसी पार्किंग में खड़े हैं और जस्ट पीछे मस्जिद है, मैं दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार दोस्तों, कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो होता है वो सफ़र का होता है। मस्जिद तो अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है ही देखने लायक, बट जो सफ़र था ना वो भी कम नहीं था, बहुत ही अंदर सफ़र रहा। चलो आप मस्जिद दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये यहाँ की मार्केट है और बस देखो यहीं उतरती है, देखो बस रुकी है यहीं रुकी है। और दोस्तों ये देख सकते हो चेरेमन जुम्मा मस्जिद, सबसे पुराना फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया, और ये 629 ईस्वी में बनी थी। आई एम सो एक्साइटेड, अभी रिनोवेशन चल रहा है यानी काम चल रहा है। और ये भारत की पहली मस्जिद आप देख सकते हो। तो अंदर मैं लेके चलूंगा, यहाँ से इसका रास्ता है। देखो अभी काम जो ना एग्जैक्टली चल रहा है, देखो ये काम यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। ये इसके अंदर भी बनाया जा रहा है काफी बड़ा। वाओ, माटी नहीं से मस्जिद, ये मस्जिद है बहुत ही शानदार। इसके अंदर काफी नमाज पढ़ने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये 629 की आप मस्जिद देख रहे हैं, भारत की पहली मस्जिद आप देख सकते हो। यहाँ से मैं करीब से दिखाता हूँ और इसके बारे में डिटेल इतिहास ही पढ़ेंगे, बट अभी अजान हुई है तो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी कि यहाँ मैं पर नमाज पढ़ूंगा। यू नो आई एम सो इमोशनल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ नमाज पढ़ी आज, और जिसके बारे में मैं सोचता था ज़िंदगी की प्रथम बार नमाज पढ़ते मस्जिद जो 629 ईस्वी की बनी हुई है, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की मस्जिद है और वहाँ मैंने नमाज पढ़ी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो शायद अपने आपको लकी मान रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है। खैर चलो मैं मस्जिद को अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये मस्जिद का आप बाहर का लुक देख सकते हो, और रिनोवेशन हुआ है मस्जिद पर, बहुत सारा काम हुआ है, बट ये भारत की पहली मस्जिद है। इसके इसका जो मेन रास्ता है वो ये है, बट वो अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, पूरा अंडरग्राउंड बन रहा है लोगों के लिए। देखो अभी भी काम चल रहा है, जस्ट सामने देखो तो कार्यालय है और कार्यालय से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो आप देख सकते हो ये मस्जिद है पूरी,
और यहाँ से हम अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये, 629 ईस्वी के टाइम की। और यहाँ पर ये वजू खाना है जहाँ हमने वजू किया है, तो ये तो बाद का बना हुआ है, बट अंदर वाला जो वजू खाना है मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता जो जाता है यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, उसी टाइम की कब्रें हैं, और म्यूजियम के बारे में पता करेंगे। यहाँ से मेन एंट्री है, तो जहाँ से हम वजू खाना पुराना मॉडल स्टाइल वजू खाना देखें, चारों तरफ मांस खाने पानी ऐसे चारों तरफ मैंने इत्यादि से वाल इत्यादि से मांस देख के बहुत नीचे पानी उठाया वजू करें। पुराना है हालांकि रिनोवेशन हुआ है, ये इसकी आप गैलरी कह सकते हो, और इसी के अंदर हमें जाना है। तो पहले आप यहाँ का लुक देख सकते हो जहाँ से हमने एंट्री की है। हालांकि ये सेकंड गेट है इसका, मेन गेट जो है वो बंद कर रखा है, ऊपर लकड़ी का काम हो रखा है। और ये जो मस्जिद है 629 ईस्वी की मानी जाती है, ये इसकी फर्स्ट गैलरी है, इसी के अंदर हम चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये यहाँ का एक तरह से कॉरिडोर कह सकते हो आप, यानी एक गैलरी और कह सकते हो। और इसकी भी छत सेम ऐसी देख लीजिए, लकड़ी का काम हुआ है, बहुत ही शानदार। हर एक सोखे में जो है लाइट लगाई गई है, और यहाँ से आप इसका जस्ट व्यू देखिए, कितना शानदार व्यू है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 629 ईस्वी की बनी मस्जिद, यानी भारत की पहली मस्जिद। ये बीच में जो रखा हुआ है दीपक रखा हुआ है, जो मैं अभी आपको करीब से भी दिखाऊंगा। छत का मॉडल देख लीजिए, इसमें जो लाइट लगी है, टोटल रिनोवेशन का काम हुआ है। और दोस्तों मैंने यहाँ नमाज पढ़ी थी, उस समय नमाज का टाइम था 12:47, आपको पता है जुम्मा है नहीं आज, यानी यहाँ पर जो जमात थी जोहर की वो 12:47 पे थी। ये जो लटका हुआ है, ये दीपक लटका हुआ है, और इस दीपक पर छोटे छोटे से दीपक और भी बने हुए हैं। दोस्तों अब सवाल आता होगा कि आखिर ये मस्जिद बनवाई किसने थी। इतिहास की बात कर ली जाए तो केरला के जो राजा थे जिनका नाम था चेरमा, फर्स्ट टाइम मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन दी सलाम जे मदन नबीर अमल है এখানে চেরা মনে যায় হেরে নবীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করছে, ওখানে মানে সেই ইন্ট্রোডাকশনটা দিতেছে একদম সংক্ষিপ্ত ভাবে শুনেন। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म है 570 ईस्वी में हुआ था, और उनके जो साथी थे जिन्हें सहाबा बोला जाता है, और ये जो मस्जिद बनी हुई है 629 बहुत सारे सहाबा जो थे इंडिया आए थे। तो दोस्तों अगर इस मस्जिद के इतिहास की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि केरला के जो राजा थे चेरमान पेरुमल, उन्होंने ही इस मस्जिद को बनाने का आदेश दिया था, और इस मस्जिद का नाम जो है चेरमान जब से पड़ा। दोस्तों एक बार केरल के जो राजा थे जिनका नाम चेरमाल था, उन्होंने सपना देखा कि आसमान में चंद्रमा के दो टुकड़े हो गए हैं, और इसी सपने की हकीकत जानने के लिए राजा चेरमाल ने अपने बहुत सारे ज्योतिष को अपने दरबार में बुलाया, बट कोई भी उनको लॉजिकली इसका जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जो अरब के व्यापारी थे जो भारत से होकर सिलोन की यात्रा करते थे, उन्होंने जो है चेरमान पेरुमल से बात की। फिर राजा चेरमान पेरुमल ने अपने सपने के बारे में अरब के जो व्यापारी थे उन लोगों को बताया, तो फिर अरब के व्यापारियों ने बताया कि ये जो कारनामा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इतना सुनने के बाद जो राजा थे जिनका नाम था चेरमान पेरुमल, वो खुश हो गए, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की इच्छा जताई। और उसके बाद केरल के राजा जो है अपना राजपाट छोड़ने के बाद सीधे मक्का चले गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, और फिर उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इसके बाद कुछ समय मक्का में बिताने के बाद जो चेरमाल परुमल थे वो अपने देश की तरफ लौटे, लेकिन रास्ते में बीमार पड़ गए थे। उसके बाद अरब महाद्वीप में उनकी जो है मृत्यु की शिकार हो गई। मरने से पहले उन्होंने कुछ मैसेज दिए थे, और ये मैसेज उनके कुछ खास दोस्त लेकर आए जिन्हें सहाबा बोला जाता है। बात करूं तो मालिक बिन दिनार और उनके कुछ साथी जो है इस जगह पर पहुंचे, और उन्होंने यहां पर मस्जिद बनाई, और इस प्रकार भारत की पहली मस्जिद जो है ये आप देख सकते हो। दोस्तों अगर मस्जिद की बात की जाए तो खुद स्वयं मालिक बिन दिनार जो है इस मस्जिद के पहले जो है खासी बने थे, और उसके बाद इस जिम्मेदारी को उनके बेटे हबीब बिन मलिक जो कि सहाबा थे उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया, जिनकी कब्र मैंने अभी आपको दिखाई थी। और इस प्रकार आज भी इस मस्जिद में सहाबा की कब्र सुंदर मस्जिद। दोस्तों इस मस्जिद के अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो काफी अच्छी स्थिति है, आप खुद देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से काम चल रहा है। बाकायदा बहुत ही इसका सावधानी से ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ म्यूजियम की बात की जाए, म्यूजियम का काम चल रहा है, आने वाले समय में जो है म्यूजियम भी चालू हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। और यहाँ जिस संस्था के अंडर ये काम हो रहा है आप देख सकते हो, संस्था का नाम देख सकते हो, काफ़ी इसको जो है मजबूती दे रहा है। और दोस्तों अगर एक बार अगर आप केरला आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको आकर एक्चुअल में कल्चर का पता चलता है कि कल्चर क्या होता है। इस्लामिक कल्चर की बात की जाए, चाहे वो ईसाई कल्चर की बात की जाए, या फिर यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, सब चीज़ में अव्वल है केरला। ये इसका मेन गेट है जो आने वाले समय में चालू हो जाएगा, जहाँ से एंट्री होगी। दोस्तों
आई एम सो हैप्पी। मैं अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं मस्जिद से घूम के आया हूँ। क्या नज़ारा है अंदर का, बहुत ही प्यारा है। चलो अब मैं थोड़ा सा सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। तो ये मस्जिद की एंट्री मान लीजिए, एग्जिट मान लीजिए। केरला जय सलाम जय खैर शिकने का हम कस कुर्सी केरला शिक्षा हो बाजी के नुसला कली नुसला हो मतलब मुठते केरला कल्चर बहुत ही बेस्ट भारत सबसे थी। क्या मजा से केरला जगह है। वॉशरूम का वो भी इधर ही है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। देखो यहाँ जो लोग आते हैं वो दुआएं करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में ये म्यूज़ियम है, अभी बंद कर रखा है, नमाज का ही काम है क्योंकि इस पर रिनोवेशन चल रहा है, काम चल रहा है बहुत सारा। तो बहुत अच्छा, मतलब आने वाले समय में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए काम चल रहा है। ये तो खैर टॉयलेट है, म्यूज़ियम का ये बता रहे हैं, बट फिलहाल जो है बंद है क्योंकि मैंने गार्ड से पूछा था तो गार्ड कह रहे थे बंद है। इसके बराबर की बात करूं तो यहाँ पर तालाब है, ये देखो इधर तालाब है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, इसी बीच ग्रीनरी के बीच में जो मस्जिद बनी हुई है ना, जस्ट अमेजिंग, बहुत ही शानदार। और एक तरह से ये जो बीच है ना, बीच का ही एक हिस्सा है, ये देखो पूरा तालाब से बना हुआ है। और यहाँ आसपास जो घर है ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ से मस्जिद स्टार्ट होती है इधर से, यानी इधर से भी रास्ता है। तो ये देखो एक रास्ता उधर से आ गया, आप देख सकते हो मस्जिद। ये इसके अंदर का नीचे का जो बन रहा है ना पूरा, वो है। तो आप देख सकते हो ये है भारत की सबसे पुरानी मस्जिद। तो मैं अभी आपको नीचे का दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर गैदरिंग बहुत होती है ना जुम्मे के दिन, तो उसके लिए पूरा बन रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, माटीर नीचे वो एक माहौल है। ये देखने का माटीर नीचे रह के আমার এই রিয়াকশন ভিডিও আপনাদের কেমন লাগছে জরুর কমেন্ট করবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে, আর ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর ফেসবুকে দেখে থাকলে পেজটারে ফলো করে দিবেন। আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মন্দ থেকে দূরে থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুদা হাফিজ।